बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना यम्मी मील्स। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी, सेवर फूड पुलाव की रेसिपी। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है, ये पिंडी का मशहूर पुलाव है जो दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। तो आज मैं ये रेसिपी आपसे रियली इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। ये रेसिपी जितनी देखने में मज़े की लग रही है उतनी ही ये खाने में मज़े की बनी थी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 1 लीटर पानी लेंगे, ये पूरा 1 लीटर पानी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक का और 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर यानी सिरका के शामिल करूँगी। तो ये इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो फिर इसमें मैं शामिल करूंगी 1 केजी चिकन का शामिल करूंगी। इसको धोकर अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया था तो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ। अब जब मैं ये शामिल करूंगी तो इसको पूरा 1 घंटा इसमें डिप करके रखेंगे ताकि जो इसकी सारी गंदगी वगैरह है या जो इस वो उतर जाए। और वैसे भी इसमें डिप रहेगा चिकन तो वो बहुत टेंडर भी हो जाएगा और यमी भी बनेगा। तो इस तरह इसे हम डिप करने के बाद 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब चिकन को पानी में से निकालकर अच्छी तरह हुश कर लेंगे और हुश करने के बाद इसको मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये फ्राई कर अच्छी तरह इसको जो ऑयल में फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। तो ये मैं फ्राई करना स्टार्ट करने लगी हूँ। ऑयल मैंने पहले ही चूल्हे पर रख लिया था, अब मैं इसमें चिकन डालकर इसको फ्राई करने वाली हूँ। ये हमारा चिकन फ्राई हो गया है और इसका बहुत प्यारा सा कलर गोल्डन हो गया है। अब हम चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का शामिल किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ और मैंने 1 प्याली इसमें या 1 कप इसमें दही का शामिल किया है। इसको सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन इसमें डालकर तकरीबन आधा घंटा दोबारा से इसको इसमें मैरिनेट करके रख देंगे। ताकि ये जो मसाला मैंने इस पर अप्लाई किया है वो अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। और 1 चुटकी मैंने येलो कलर का इसमें शामिल किया है। अब इसको स्टीमर में रख के
अगर आपके पास स्टीमर नहीं तो प्रेशर में भी रख सकते हैं, इसको इसमें रखकर स्टीम करूँगी। स्टीम करने में इसे तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। ये सारे चिकन को इसमें रख लेंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए स्टीम में रख देंगे। अब एक तेज घी में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 2 टमाटर लेकर उनका पेस्ट बनाकर वो शामिल करके इसको कुक करूंगी। टमाटरों को तकरीबन 2-3 मिनट कुक करने के बाद जब ये इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको पानी खुश्क होने तक कुक करने के बाद मैंने इसमें फ्राई की हुई 2 अदद प्याज ली थी, उनको ब्राउन फ्राई कर लिया था तो वो शामिल कर दूंगी। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 सब्ज मिर्च और 5-6 क्लोव्स लहसुन का लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस कर इसमें शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद इसे मज़ीद 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब इसमें मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक के लिए हैं, नमक चावलों के हिसाब से लेंगे। मैंने 1 किलो चावल लिए थे तो उसके हिसाब से 2 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने क्रश चिली शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। जब ये मसाला अच्छी तरह पक जाएगा तो मैंने थोड़े से चिकन की यहनी बनाकर रखी थी वो इसमें शामिल कर लेंगे। अगर 1 किलो चावल हैं तो तकरीबन 1 किलो के करीब ही यहनी शामिल कर लेंगे। अगर यहनी कम हो तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसमें पहले से सोक किए हुए चावल शामिल कर लूँगी और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो गया है। ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया है और ये तकरीबन पकने के करीब हैं। इनको तकरीबन 5 मिनट दम पर रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से चावल तैयार हो जाएंगे। ये मैंने 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ दिए हैं तो हमारा मज़ेदार सा सेवर फूड पुलाव तैयार है। इसको इसके साथ मैंने शामी फ्राई किए थे क्योंकि इसके साथ शामी भी मिलते हैं और सैलड, और इसी तरह ये बिल्कुल रियल रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। तो यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को इसके लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला आप पर भी अपना रहम करे और करम करे। अल्लाह हाफिज़।